Nutrition and prosperity for all. मानव सभ्यता के इतिहास में मनुष्य ने जितना लाभ प्रकृति से उठाया है अन्य किसी से नहीं, और प्रकृति ने भी जितना वरदान मानव सभ्यता को दिया है अन्य किसी को नहीं दिया। पूरी धरती पर प्रकृति ने अलग अलग जलवायु, अलग वनस्पति, अलग औषधि और अलग अलग जीवन दिया, लेकिन धरती के किसी भी हिस्से को अपने वरदान से वंचित नहीं किया। कहीं कुछ दिया तो कहीं कुछ और दिया, लेकिन सबको दिया और हर जगह दिया। प्रकृति ने पश्चिम के लोगों को कुछ ऐसे उपहार दिए जो उनके कठिन जीवन को बेहतर बनाने के लिए अकेले ही काफी थे, और आज पश्चिम ने प्रकृति के उन उपहारों को सहेज कर उनका समुचित प्रयोग करके सुखी और स्वस्थ जीवन की जो मिसाल पेश की है वो बाकी दुनिया के लोगों के लिए एक उदाहरण है। ऐसा ही प्रकृति का एक अनुपम उपहार है जो पश्चिमी दुनिया को मिला, ऑलिव। जैसे भारत में नीम, तुलसी, आंवला, हल्दी, पीपल, ठीक वैसे ही यूरोप में अकेला ऑलिव। प्राचीन ग्रीक की सेहत और लंबी उम्र का राज ऑलिव। स्पेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, रोम और क्लासिकल ग्रीक के योद्धाओं की ताकत का राज ऑलिव। यूरोप के लोगों की सुंदरता का राज ऑलिव। पश्चिम के प्राचीन इतिहास की किस्से, कहानियों और संस्कृति में हर जगह नजर आने वाला ऑलिव। ऑलिव यानी हिंदी में जैतून। ऑलिव शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। बोटैनिकल भाषा में इसे आलिया यूरोपिया कहते हैं। ऑलिव भूमध्य रेखा यानी मेडिटेरेनियन लाइन के आसपास के यूरोपीय क्षेत्र में पाया जाता है। ऑलिव एक सदाबहार और घना पेड़ है जिसमें सफेद फूल आते हैं। मध्यम आकार के इस पेड़ की ऊंचाई लगभग 25 से 50 फीट तक होती है। इसका तना गंठीला और घुमावदार होता है। इसका फल बेर या जामुन जैसा दिखाई देता है। जैतून के पेड़ की उम्र 500 से 1500 साल के बीच होती है। हालांकि पश्चिमी देशों में 3000 वर्ष पुराने पेड़ भी मिले हैं जिन्हें संरक्षित कर दिया गया है। पश्चिमी दुनिया में ऑलिव के जो अवशेष मिले हैं वो इस पेड़ के 20 से 40 लाख वर्ष पुराने होने की ओर इशारा करते हैं। मनुष्य ने इसकी खेती ईसा के जन्म से 7000 वर्ष पहले और व्यावसायिक उत्पादन लगभग 3500 वर्ष पूर्व शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे इसके फायदे जानकर इसे अपनी जीवन शैली में शामिल कर लिया। पश्चिम में जैतून को बहुत पवित्र माना जाता है। ऑलिव की पत्तियां सम्मान, शांति और संपन्नता का प्रतीक मानी जाती हैं। प्राचीन यूनान में देवताओं को ऑलिव की पत्तियां चढ़ाई जाती थी। युद्ध से लौटे विजेताओं का स्वागत इन्हीं पत्तियों से किया जाता था। और कभी एथेंस में होने वाले दुनिया के सबसे पुराने ओलंपिक खेलों में विजेताओं को ऑलिव की पत्ती का ताज पहनाया जाता था, और आज भी यह परंपरा जारी है। यूरोप के प्राचीन देशों के लोग उम्र बढ़ाने के लिए ऑलिव के तेल को खाने में प्रयोग करते थे। राजा, राज परिवार के लोग और खिलाड़ी इस तेल के प्रयोग से अपनी ताकत और प्रजनन शक्ति बढ़ाते थे। ये उम्र को रोकने और जवान बने रहने का एक सीक्रेट था। यूनान, मिश्र और रोम के राज परिवारों की खूबसूरत महिलाएं इस सीक्रेट को जानती थी, वो इसका प्रयोग करती थी। इसीलिए यूरोप की महिलाएं बहुत सुंदर होती थी और हमेशा जवान बनी रहती थी। ऑलिव के तेल से घरों में और धार्मिक स्थानों पर दीपक जलाए जाते थे। इन देशों में लोगों ने ईसा से करीब 500 वर्ष पहले ऑलिव की छोटी छोटी गोलियां दवाई के तौर पर लेना शुरू कर दिया था। ऑलिव के महत्व का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि प्राचीन ओलंपिक की मशाल ऑलिव के तेल से ही जलाई जाती थी। लेकिन समय के साथ साथ ये रहस्य नहीं रहा।
ऑलिव राज परिवारों की दुनिया से निकलकर सबके बीच आ गया। प्रकृति का ये उपहार यूरोप से निकलकर सारी दुनिया में फैल गया है। यहाँ तक कि वर्तमान में शांति का संदेश देने के लिए यूनाइटेड नेशंस के प्रतीक चिन्ह पर ऑलिव की पत्तियां अंकित हैं। लेकिन इसके बाद भी ये आम आदमी की पहुंच से दूर रहा। ऑलिव को जानने वाले, इसकी खूबियां समझने वाले संपन्न लोग इसका प्रयोग करते रहे, लेकिन आम आदमी और कुछ देश अभी भी ऑलिव से अनजान थे, जैसे भारत। लेकिन ऑलिव रुका नहीं। सुंदरता और स्वास्थ्य प्रेमी दुनिया में हर जगह इसकी मांग करने लगे और तेजी से बदलती दुनिया में ऑलिव धीरे धीरे अपनी पहुंच बढ़ाने लगा। इसी क्रम में ऑलिव भारत आया। लेकिन ऑलिव भारत में कैसे आया, इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प और प्रेरणा देने वाली है। कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि साल था 2007। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री और तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान की मुख्यमंत्री माननीय श्रीमती वसुंधरा राजे इजराइल के दौरे पर गए। वहां इन दोनों दूरदर्शी नेताओं ने ऑलिव की खेती, ऑलिव के फायदे और उसकी दुनिया में डिमांड देखी। इजराइल की जलवायु काफी कुछ राजस्थान और गुजरात से मिलती जुलती है। बस फिर क्या था, श्री नरेंद्र मोदी और श्रीमती वसुंधरा राजे क्रमशः गुजरात और राजस्थान में जैतून की खेती के लिए जैतून को इजराइल से भारत ले आए। साल 2008 में राजस्थान में 121,000 जैतून के पौधे लाए गए। राजस्थान सरकार ने 550 एकड़ के 11 सरकारी खेतों में ऑलिव की खेती की तैयारी की। लेकिन ऑलिव पहली बार अपनी धरती से निकलकर भारत आया था, इसलिए उसके पौधों को एक साल तक कोकोपीट के अंदर लैब में रखा गया। और जब पौधा भारत के वातावरण के लिए तैयार हुआ, तब एक साल बाद उनको खेतों में लगाया गया। फिर अगला पड़ाव आया, योजना बनी, किसान जुड़े, खेती हुई। शोध और मेहनत से ऑलिव 5 साल का हो गया। अब तक साल 2014 आ गया, फल आने का समय आ गया। ऑलिव की खेती के लिए नियुक्त किए गए सभी शोधकर्ता राजस्थान में ऑलिव की ग्रोथ और हेल्थ पर बराबर निगाह बनाए हुए थे। राजस्थान सरकार और शोधकर्ताओं के लिए ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। सबको ऑलिव के फल की पहली फसल का इंतजार था। कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी के साथ साथ मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी इसमें व्यक्तिगत रुचि ले रही थी। लेकिन राजस्थान में ऑलिव की खेती से कुछ बड़ा होना था, कुछ अलग ही कहानी बननी थी। हुआ यूं कि जब राजस्थान सरकार ने 2008 में ऑलिव की खेती शुरू की, तब उसने ROCL का गठन किया, राजस्थान ऑलिव कल्टीवेशन लिमिटेड। इस ROCL के साथ एक टीम और जुड़ी जो ऑर्गेनिक खेती और ऑर्गेनिक उत्पाद बनाने में माहिर थी, DP गढ़वाल और उनकी अनुभवी टीम। ये टीम लगातार ऑलिव की देखरेख और उस पर शोध में व्यस्त थी। साल 2010 में ये टीम ऑलिव की ग्रोथ, उसकी हेल्थ के लिए लगातार सैंपल ले रही थी। इस टीम को ऑलिव के पेड़ की लंबी उम्र और इसके विशेष गुणों के बारे में पता था, जिसकी वजह से इसकी उम्र 1000 साल से भी ज्यादा होती है। इसी दौरान इसके शोधकर्ताओं ने एक बात नोटिस की कि न केवल ऑलिव का फल बल्कि ऑलिव की पत्तियां भी इन विशेष गुणों से भरपूर हैं। इनमें बहुत प्रचुर मात्रा में फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो कि लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए बहुत कारगर होते हैं। टीम चुपचाप ऑलिव की पत्ती के फायदों पर रिसर्च करने में जुट गई। शोधकर्ताओं की इस टीम को ये तो लग गया कि ऑलिव की पत्तियों में जो गुण और प्रॉपर्टीज मिले हैं, वो हमारे देश भारत और दुनिया के लोगों की हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने जा रहे हैं। लेकिन टीम के सामने एक समस्या थी। ऑलिव जैसा मल्टीपर्पज औषधीय पेड़ यूरोपीय लोगों की जीवन शैली में शामिल था हजारों हजार वर्षों से। इसी कारण इसके फायदे उनको मिल रहे थे। लेकिन अब
एक बिल्कुल नई चीज को भारत की जीवन शैली में शामिल करना असंभव दिखाई देता था। स्वस्थ भारत मिशन के विजन के साथ अगर दवाई भी बनाएंगे तो लोग उसे डॉक्टर की सलाह पर ही लेंगे और दवाई कभी भी जीवन शैली का अंग नहीं बन सकती। शोध चलते रहे। इसी बीच प्रमुख शोधकर्ता डीपी गढ़वाल की टीम ने एक नई बात नोटिस की। भारत के लोगों की जीवन शैली में चाय अभिन्न हिस्सा है। अगर हम ऑलिव की प्रोसेस चाय बना लें तो हम ऑलिव को भारत की जीवन शैली में शामिल करने में कामयाब हो जाएंगे। ये एक बिल्कुल नया आइडिया था, आज तक किसी ने ऐसा नहीं सोचा था। ऑलिव खाने से लेकर दवाइयों और दवाइयों से लेकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स तक पहुंच गया था, लेकिन 5000 साल में एक चीज नहीं हुई जो 21वीं शताब्दी में हुई। 20 लाख वर्ष पुराने अवशेष, 3500 वर्ष पुराने खेती के इतिहास के बाद भी किसी ने ऑलिव की प्रोसेस चाय के बारे में नहीं सोचा। चाय ब्लैक से लेकर ग्रीन और फिर हर्बल हो गई। पूरी दुनिया के पास ऑलिव किसी ना किसी रूप में था। यहाँ तक कि पश्चिम में लोग ऑलिव की पत्तियां तोड़कर हाथों हाथ चाय बनाते हैं, जैसे भारत में तुलसी की चाय बनाई जाती है। फिर भी किसी ने ऑलिव की प्रोसेस चाय के बारे में नहीं सोचा, हजारों वर्षों में भी नहीं। शायद सोचा इसलिए नहीं क्योंकि इसके पीछे कहानी बननी थी, इसकी सफलता को अपने आप में इतिहास बनना था, इसको भारत में बनना था। टीम का विचार था कि ऑलिव हर जगह नहीं मिलता, इसलिए प्रोसेस्ड ऑलिव टी बनाना एक बहुत बड़ी सफलता होगी। प्रोसेस्ड ऑलिव टी बनाकर ऑलिव को दुनिया में हर जगह उपलब्ध कराया जा सकता है। ये शोधकर्ताओं के लिए एक नई उम्मीद वाला रास्ता था। बस फिर क्या था, ऑलिव की ये टीम साल 2012 में ऑलिव से चाय बनाने में जुट गई। शोध प्रयोग जांच लगातार निरंतर चलते रहे। परिणाम सकारात्मक थे, लेकिन ऑलिव टी बनाने में कामयाबी नहीं मिल रही थी। दिक्कत वही थी, ऑलिव की पत्तियों को कैसे प्रोसेस किया जाए कि वो चाय में बदल जाए, ये तकनीक नहीं मिल रही थी। पूरे देश में ऑलिव की फ्रेश पत्तियों को ले जाया गया, कभी ऊटी, कभी दार्जिलिंग, तो कभी कलकत्ता। हर जगह की चाय कंपनियों की मदद ली गई, मगर परिणाम नहीं आ रहे थे क्योंकि सबके पास सामान्य परंपरागत चाय बनाने वाली तकनीक थी। परंपरागत चाय की पत्तियां बहुत नरम होती हैं, जबकि ऑलिव की पत्तियां सख्त होती हैं, इसलिए इनको प्रोसेस करना मुश्किल था। सिलीगुड़ी में मशीन की तकनीक को लेकर कुछ मदद मिली, नई मशीन बनवाई गई, मगर जैतून की चाय नहीं बनी। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि हर प्रयोग के बाद कामयाबी की संभावना बढ़ती जा रही थी। टीम हर शोध में एक स्टेप आगे जा रही थी, लेकिन कोई सही रास्ता नहीं मिल रहा था कि ऑलिव को चाय के रूप में कैसे तब्दील करें। पर ये टीम लगी रही, सालों साल कई प्रयास हुए। इस बार शोधकर्ताओं ने यहीं पर इंजीनियर्स की टीम के साथ मिलकर स्पेशली ऑलिव की पत्तियों की प्रोसेसिंग मशीन बनाने की तैयारी की। और फिर एक दिन लगातार इतने सालों की मेहनत के बाद ये टीम ऑलिव की चाय बनाने में कामयाब हो गई। इस टीम ने ऑलिव की पत्तियों को चाय के रूप में प्रोसेस करने की तकनीक खोज निकाली। बस इसके आगे की कहानी इतिहास बन गई। भारत ने वो कर दिखाया जो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पाया। ।2014 में ये भारत की दूसरी बड़ी सफलता थी, पहला मंगल मिशन और दूसरा ऑलिव टी का आविष्कार। जो ऑलिव दूर देश से लाया गया था उसी की चाय बनाकर भारत ने दुनिया को दे दी। दुनिया की प्रतिष्ठित पत्रिका ऑलिव ऑयल टाइम्स ने चाय के इस इन्वेंशन को 2014-15 के एडिशन में कवर पेज पर छापा। इसी के साथ भारत को एक खुशी और मिली। साल 2016 में जब राजस्थान में तैयार किए गए ऑलिव ऑयल को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर चेक कराया गया तो भारत के ऑलिव ऑयल का टेस्ट में ग्रेड 1 निकल के आया, यानी ठीक वैसा ही ऑलिव जैसा स्पेन, इटली, ग्रीस या इजराइल में होता है। भारत का ऑलिव दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑलिव में से एक साबित हुआ। पर अब यही नहीं रुकना था,
असली सफर तो यहाँ से शुरू होना था, प्रोसेस हो चुका था, तकनीक मिल गई थी। राजस्थान सरकार ने बिना देर किए अगला स्टेप लिया। ऑलिव की चाय को 2015 में एक ब्रांड बनाया गया, ओलेटिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। फिर एक बार प्रयोग हुए, जांचे हुई और ऑलिव की चाय दुनिया की सबसे सेहतमंद चाय बनकर बाहर निकली। इस चाय पर शोध से पता चला कि इसमें हाइपरग्लिसमिक इफेक्ट पाया गया, जिसे डायबिटीज नहीं होती। इसमें ओलिपिन पाया गया, जो हाई ब्लड प्रेशर में फायदेमंद है। इसमें लाइकोसिड और हाइड्रोक्सीटेरोसोल पाए गए, जो हार्ट की बीमारियों से बचाता है। इसमें एंटी मेलेनोमा इफेक्ट होता है, जो कैंसर से बचाता है और अर्ली एज के कैंसर को बढ़ने से रोकता है। इस चाय में एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट पाया गया, जो जोड़ों के दर्द और आर्थराइटिस से बचाता है। इसमें न्यूमेरोफिनोल्स पाए गए, जो एंटी रेडिकल होते हैं, यानी ये उम्र बढ़ने से रोकते हैं। इसमें एंटीवायरल प्रॉपर्टीज पाई गई, जो सर्दी जुकाम और बुखार से बचाती है। ऑलिव टी के ये तत्व इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की हाई प्रॉपर्टी पाई गई, जो बॉडी को हर हाल में स्वस्थ रखते हैं। इसके अलावा इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाई गई। ऑलिव टी में बिल्कुल भी कैफीन नहीं होता। इसमें ग्रीन टी और हर्बल टी से लगभग दोगुने एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो त्वचा को सुंदर बनाते हैं और उम्र बढ़ने से रोकते हैं। ऑलिव टी में प्रचुर मात्रा में नेचुरल प्रोटीन पाया गया, जो हमारे स्वस्थ शरीर के लिए बेहद आवश्यक तत्व है। इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फॉस्फोरस और आयरन पाया गया। इसमें हड्डियों को मजबूत बनाने वाले एलिमेंट्स पाए गए। मतलब ऑलिव टी में स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के अलावा प्रचुर मात्रा में मिनरल्स पाए गए, जिसे ये चाय की दुनिया में आउटस्टैंडिंग चाय साबित हुई। ऑलिव टी हेल्थ के लिए ऑल इन वन साबित हुई। और इसी साल अगस्त 2017 में माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने बिना देर किए ऑलिव टी को खुद अपने हाथों से लॉन्च किया। अब ऑलिव टी हेल्दी टी के रूप में सबके सामने थी। साल 2018 एक खास दिन लेकर आया। 2018 की जनवरी में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारत आए, तो भारत के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद ने उनको अपने आवास पर ऑलिव की चाय पिलाई। नेतन्याहू अचंभित थे, वो दुनिया की पहली प्रोसेस ऑलिव टी पी रहे थे, वो भी उस देश में जहां ऑलिव का पेड़ खुद उनके देश से आया था। उन्होंने उसी वक्त भारत से इस चाय को बनाने की तकनीक मांगी। ये राष्ट्र के गौरव के पल थे। आज भारत के हरे भरे ऑलिव फार्म्स में दुनिया की एकमात्र प्रोसेस्ड ऑलिव टी तैयार होती है। ये चाय बहुत ही परिष्कृत तरीके से बनाई जाती है। इसके लिए ओलेटिया के वर्कर्स सुबह जल्दी सूरज उगने से पहले ऑलिव फार्म्स में पहुंच जाते हैं। इस वक्त पत्तियों में नमी प्रचुर मात्रा में होती है। सुबह सुबह बहुत ही सदे हाथों से वर्कर्स ऑलिव की चाय के लिए उपयुक्त पत्तियों को चुनते हैं। इन पत्तियों को खास तरह से उल्टी दिशा में तोड़ा जाता है। इसके बाद इन पत्तियों को फैक्ट्री में लाया जाता है और यहां शुरू होती है जैतून की चाय बनाने की सीक्रेट प्रक्रिया। इस पूरे प्रोसेस को बहुत हाइजीनिक रखा जाता है। एक बार मशीन में ऑलिव की पत्तियां पहुंच जाएं, उसके बाद सारा काम मशीन का होता है। सबसे पहले इन पत्तियों को ओजोनेटेड पानी से अच्छी तरह साफ किया जाता है। पत्तियों को ऑटोमेटिक मशीन से इस तरह साफ करते हैं कि इसमें धूल का कोई कण ना रहे। इसके बाद इन धुली पत्तियों को कई विशेष प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है। ये प्रोसेस 100% नेचुरल होता है। ऑलिव टी को बनाने में किसी प्रकार के केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। इस सीक्रेट प्रक्रिया से गुजरने के बाद बनती है ऑलिव टी। नेचुरल ऑलिव टी बनने के बाद इसकी टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग के बाद इसके मूल स्वाद के अनुसार इसे तुलसी, पुदीना, लेमन ग्रास के साथ ब्लेंड किया जाता है और इस तरह इसके चार फ्लेवर तैयार हो जाते हैं। एक इसका मूल स्वाद यानी ऑलिव क्लासिक, दूसरा
ऑलिव होली बेसिल, तीसरा ऑलिव मिंट और चौथा ऑलिव लेमन ग्रास। ऑलिव टी के फ्लेवर तैयार होने के बाद इसकी एक बार और टेस्टिंग की जाती है। जब इसके सारे स्वाद मानकों पर खरे उतर जाते हैं तो इसे पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। पैकिंग की ये मशीन बहुत ही सफाई से इस चाय को ऑटोमेटिक तरीके से टी बैग्स में डालती है। ऑलिव टी खास तरह के पिरामिड टी बैग्स में पैक की जाती है। इस खास टी बैग के कागज को जापान से आयात किया जाता है। ये टी बैग 100% बायोडिग्रेडेबल होता है। पिरामिड टी बैग इसलिए खास होता है कि इससे सामान्य टी बैग्स के मुकाबले ऑलिव लीव्स का इन्फ्यूजन ज्यादा बेहतर तरीके से होता है, साथ ही न्यूट्रिशन और टेस्ट भी अधिक प्राप्त होता है। इसलिए 76% टी लवर्स पिरामिड टी बैग को पसंद करते हैं। टी बैग बनने के बाद नाइट्रोजन पैकिंग मशीन इसे अपने फ्लेवर के अनुसार पैक कर देती है। और इस तरह मिलती है चार बेहतरीन फ्लेवर्स में दुनिया की एकमात्र प्रोसेस्ड ऑलिव टी। कहानी जारी थी, भारत ने दुनिया को जीरो, त्रिकोणमिति, योग, आयुर्वेद और आध्यात्म देने के बाद ऑलिव टी दे दी। लेकिन अब ऑलिटिया के सामने एक और टास्क था। उसे ऑलिव टी को भारत सहित पूरी दुनिया में पहुंचाना था ताकि इसका लाभ और स्वाद सबको मिल सके। लेकिन प्रकृति कुछ और ही कहानी तैयार कर रही थी। प्रकृति ने मानो सारा प्लान अपने हिसाब से तैयार कर लिया था। इधर एक बिजनेस हाउस था जिसका मैनेजमेंट बैंकिंग, आईटी और रियल एस्टेट के कारोबार में था। इनके पास डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भी सक्सेसफुल एक्सपीरियंस था। ये बिजनेस हाउस बड़े लंबे समय से हेल्थ केयर के एक ऐसे उत्पाद की तलाश में था जिससे भारत और पूरे विश्व की सेहत में व्यापक सुधार किया जा सके। साल 2018 जब इजराइल के प्रधानमंत्री को भारत ने ऑलिव टी पिलाई तो ये खबर टीवी मीडिया और अखबारों की सुर्खियां बन गई। देश और दुनिया का मीडिया ऑलिव टी के फायदों के बारे में बात कर रहा था। इन सब खबरों ने इस बिजनेस ग्रुप का ध्यान ऑलिव टी की तरफ आकर्षित किया। अन्य भारतीयों के लिए यह बस एक गर्व करने वाली खबर थी, लेकिन इस बिजनेस हाउस के लिए यह खबर दुनिया की सेहत का भविष्य थी। इस बिजनेस हाउस ने तुरंत ऑलिव टी पर हुए शोधों पर स्टडी करना शुरू किया। इस ग्रुप ने ऑलिव टी के हेल्थ बेनिफिट्स और दुनिया में उनकी उपयोगिता के बारे में रिसर्च शुरू कर दी। इस दौरान इन्होंने WHO की रिसर्च में पाया कि भारत डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज की राजधानी है, और अब तो कैंसर भी भारत में तेजी से अपनी जड़ें जमा रहा है। ऑलिव टी, उसमें पाए जाने वाले फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स आदि की मात्रा देखकर इस ग्रुप को ये भांपने में देर नहीं लगी कि ऑलिव टी इन बीमारियों से लड़ने में मील का पत्थर साबित होगी। ये भारत और दुनिया की हेल्थ की तस्वीर बदल देगी। WHO की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत का हेल्थ सूचकांक में 154 नंबर है। गौर करने वाली बात ये है कि इस हेल्थ सूचकांक में जो यूरोपीय देश टॉप पर हैं, वो किसी न किसी रूप में ऑलिव काम में लेते हैं। अगर बाकी दुनिया और भारत ये हेल्दी टी काम में लें, तो इन सब बीमारियों से लड़ने के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को इन बीमारियों से बचाया भी जा सकता है। इस बिजनेस हाउस ने ऑलिव टी का भारत और दुनिया के लिए एक अलग ही रूप देखा। भारत के लोगों का सबसे पसंदीदा पेय चाय है। यहाँ लगभग 90% लोगों के दिन की शुरुआत चाय से होती है। लेकिन ये सामान्य चाय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है क्योंकि इसमें कैफीन होता है। इसकी वजह से इसका एडिक्शन भी हो सकता है। इसके लगातार प्रयोग से एसिडिटी, हेडेक, नर्वसनेस, स्लीपिंग डिसऑर्डर, BP और डायबिटीज जैसी बीमारियों की संभावना भी हो सकती है। लेकिन इसके विपरीत ऑलिव टी न केवल सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है
बल्कि ये इन सब बीमारियों से बचाती भी है और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करती है। ऑलिव टी की प्रोडक्ट स्टडी, इसके बेनिफिट्स और मार्केट रिसर्च से इस बिजनेस हाउस को यकीन हो गया कि यही वो प्रोडक्ट है जिसकी इन्हें तलाश थी और इस बिजनेस ग्रुप ने तय कर लिया कि वो इस ऑलिव टी को दुनिया के घर घर में पहुंचाएंगे। कहानी आगे बढ़ी और एक तय दिन ओलिटिया मैनेजमेंट और इस ग्रुप की मीटिंग हुई। ओलिटिया पहले से इस चाय को यूरोप और यूके में एक्सपोर्ट कर रही थी और उसका इरादा इस चाय को ज्यादा से ज्यादा संपन्न देशों और 5-स्टार कम्युनिटी के बीच पहुंचाने तक सीमित था। लेकिन इस मीटिंग में इस बिजनेस हाउस ने ओलिटिया मैनेजमेंट को बताया कि ऑलिव टी सिर्फ स्टेटस सिंबल नहीं है, बल्कि ये हेल्दी लाइफ सिंबल है और दुनिया के हर आदमी को इसके औषधीय गुणों की जरूरत है। इस ऑलिव टी के फायदे पूरी दुनिया तक पहुंचने चाहिए और इसके लिए इसे लोगों की जिंदगी में शामिल करना होगा। इस काम के लिए पारंपरिक सेल्स मार्केटिंग का तरीका काफी नहीं होगा, क्योंकि भारत और अन्य कई देशों के लोग आज भी ऑलिव के औषधीय गुणों से परिचित नहीं है। अगर ऑलिव के पूरे फायदे बताते हुए इसे लोगों तक पहुंचाना है तो इसका एकमात्र कारगर तरीका डायरेक्ट सेलिंग ही है। इन्होंने बताया कि व्यापारिक तौर पर भी देखें तो दुनिया भर में डायरेक्ट सेलिंग द्वारा लगभग 13 लाख करोड़ रुपए का व्यापार सालाना किया जाता है। दुनिया के सबसे बेहतरीन नेचुरल हेल्थ केयर प्रोडक्ट तो इसी माध्यम से बिकते हैं। आज दुनिया भर में 11 करोड़ से ज्यादा लोग डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय से जुड़े हैं। यहाँ तक कि अकेले अमेरिका में 3.5 करोड़ लोग डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय करते हैं। अमेरिका के अलावा जापान, फ्रांस, जर्मनी, रूस, चीन, इटली, मेक्सिको और ब्राजील जैसे संपन्न देशों के लोग अपने लिए बेहतरीन प्रोडक्ट्स और आय के साधन के रूप में डायरेक्ट सेलिंग को चुनते हैं। इस बीच सबसे खास बात ये है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी होने के बाद भी भारत में डायरेक्ट सेलिंग व्यापार अभी मात्र 10,000 करोड़ रुपए सालाना का ही है, जबकि इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे छोटे देश भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हमसे आगे हैं। यहाँ तक कि चाइना तो डायरेक्ट सेलिंग में हमसे 5 गुना ज्यादा आगे है। इसीलिए अब भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के भविष्य और इसके द्वारा रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए साल 2016 में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की गाइडलाइन जारी कर दी है और अब भारत में यह व्यापार सालाना 7% की दर से बढ़ रहा है। इन्होंने बताया कि ओलिटिया द्वारा हेल्दी ऑलिव टी के बिजनेस का भविष्य बहुत सुनहरा है। ओलिटिया की ऑलिव टी दुनिया को हेल्थ और वेल्थ देने वाला सबसे पसंदीदा ब्रांड साबित होगा। इसे कुछ जगह तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि हेल्थ फॉर ऑल, वेल्थ फॉर ऑल का विजन लेकर इसे दुनिया के घर घर में पहुंचाना चाहिए। इस मीटिंग में ओलिटिया को मानो एक नया विजन मिल गया। ओलिटिया को इस बिजनेस ग्रुप का हेल्थ फॉर ऑल, वेल्थ फॉर ऑल विजन पसंद आ गया और फिर एक दिन ओलिटिया ने इस बिजनेस हाउस के एक्सपीरियंस और ऑलिव टी के लिए इनके फ्यूचर विजन को देखते हुए इस चाय को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग का एक्सक्लूसिव करार ऑलिव ट्री वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ कर लिया। और अस्तित्व में आते ही ऑलिव ट्री जिस काम के लिए बनी थी वो मिशन शुरू हो गया। ऑलिव ट्री वेंचर्स ने डायरेक्ट सेलिंग के जरिए ऑलिव टी को दुनिया के घर घर में पहुंचाना शुरू कर दिया और अब तस्वीर बदल गई है। ऑलिव टी दुनिया के हर कोने में पहुंच रही है। अब ये स्टेटस सिंबल के साथ साथ हेल्थ सिंबल है। लोग ऑलिव टी को पसंद कर रहे हैं और आज दुनिया में हर जगह से लोग अपनी और अपनों की हेल्थ के लिए तेजी से ऑलिव ट्री वेंचर से जुड़ रहे हैं और जुड़ने वाले सभी लोग हेल्थ के साथ अपनी वेल्थ भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन ऑलिव ट्री वेंचर का विजन बड़ा है। वो ऑलिव के औषधीय गुणों को नए नए तरीकों से लोगों के बीच पहुंचाना चाहती है। ऑलिव ट्री वेंचर्स ने बिना रुके अपने अगले पड़ाव की तैयारी शुरू कर दी। ऑलिव ट्री ने बहुत जल्दी प्रकृति के औषधीय गुणों को दुनिया को उपलब्ध कराने के लिए नेचुरल हेल्थ केयर, कॉस्मेटिक्स और फूड प्रोडक्ट्स लाने शुरू कर दिए और आने वाले समय में नेचर बेस्ड हेल्थ प्रोडक्ट की दुनिया की
सबसे भरोसेमंद डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनने की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। इधर अब ऑलिव टी दुनिया के लिए एक हेल्थ मिशन बन गई है और ऑलिव ट्री वेंचर्स दुनिया के सबसे भरोसेमंद डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड्स में से एक। इस तरह ऑलिव ट्री वेंचर्स का हेल्थ फॉर ऑल एंड वेल्थ फॉर ऑल का विश्वव्यापी मिशन तेजी से जारी है, जिसका भविष्य सुनहरा है, स्वस्थ है और भारतीय दर्शन और परंपरा को निभाता है। तो आइए हम सब मिलकर स्वास्थ्य और समृद्धि बढ़ाने के इस मिशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। Exclusively brought to you by Olive Tree Ventures Private Limited. Nutrition and prosperity for all.